हाय गाइस, आज ये जो आप वीडियो देखने वाले हो ना, इसको पूरी टीम एडिट कर रही थी। और पता है, इस वीडियो के लास्ट तक हमने सोचा भी नहीं था कि इतना कुछ क्रेजी हो जाएगा। आज क्या हुआ ना, हमने जो है चीप स्क्रीन गार्ड और बैक केस मंगवाया फोन का और उनको टेस्ट करना स्टार्ट किया, और वीडियो ने लास्ट में बहुत सारे लाइक ट्विस्ट ले लिए। खैर, सारी बातें मैं बताऊंगा कौन सी चीज आपको खरीदनी चाहिए, आपके लिए क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आपका टेक खरीदने का एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अब ना वीडियो को स्क्रीन गार्ड से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि ये जो सस्ते वाला स्क्रीन गार्ड है ना, इस पे 9H लिखा हुआ है, और इनफैक्ट महंगे वाला स्क्रीन गार्ड भी 9H ही मेंशन करते हैं। ये ना लेवल ऑफ हार्डनेस होते हैं, ये नंबर जितना ज्यादा हो उतने ही आपकी स्क्रीन प्रोटेक्टेड रहेगी, उतने ही कम स्क्रैच आएंगे। तो 9H एक स्टैंडर्ड है जो हर जगह मिलता है। लेकिन रियल क्वेश्चन ये है कि क्या महंगे वाले की सच में हार्डनेस ज्यादा होगी, क्या ये कम स्क्रैच करेगा सच में? तो सबसे पहले ना, इस 70 रुपीज वाला स्क्रीन गार्ड मैं इस फोन पे लगा देता हूँ। अच्छा गाइस, मैं दिखा देता हूँ, ये iPhone 10 है जो की वर्किंग कंडीशन के अंदर है मेरे पास, और इसकी स्क्रीन जो है बिल्कुल भी ब्रेक नहीं हो रखी। अब मैं स्क्रीन गार्ड इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ, ये जो चीप वाला है, और इतना परफेक्ट तरीके से नहीं लगाऊंगा क्योंकि बस टेस्टिंग ही तो करनी है नॉर्मल। तो ये लग चुका है यहाँ पर और ऑलमोस्ट डन है, आई थिंक ज्यादा बबल नहीं आएंगे, और ऊपर की ये वाली लेयर भी हम हटा देंगे। अब सस्ते वाले स्क्रीन गार्ड के बारे में मैंने एक चीज नोटिस करी है कि इसके ऊपर ना बहुत ज्यादा स्मजेस आ रहे हैं, और इन्हें एक रेसिस्टेंस है, मतलब स्मूथ नहीं है यूज करने में। अब आते हैं फर्स्ट टेस्ट के ऊपर। मेरे पास ये कार्पेट टाइल्स है, और मैंने पता है ओवर टाइम नोटिस किया है कि कोई भी फोन का ग्लास क्यों ना हो, अगर उसको कार्पेट टाइल के ऊपर रब करा जाए तो बहुत सारे स्क्रैचेस आते हैं। और गाइज, मेरे हाथ में अभी सैंड है और ये कार्पेट टाइल के ऊपर मैं डाल रहा हूँ, जिससे और रियलिस्टिक और एक्सट्रीम हो जाए ये टेस्ट, क्योंकि इससे सबसे ज्यादा स्क्रैचेस पड़ते हैं। आपको पता है डस्ट से ऊपर कुछ नहीं होता। अब आपको मेरे ऊपर ट्रस्ट रखना है, ये फोन है, मैं कोशिश करूंगा कि जो महंगे वाला स्क्रीन गार्ड है उसके ऊपर भी सेम फोर्स अप्लाई करूं, और हम ऐसे 6 टाइम्स करते हैं पूरा लेफ्ट एंड राइट। स्टार्ट करता हूं मैं, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 स्टॉप हो जाते हैं हम। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली मेरे रिजल्ट्स क्या है। तो ये जो सस्ते वाला स्क्रीन गार्ड है ना, इसके ऊपर स्क्रैचेस तो आए हैं, और हमारे पास एक मैक्रो लेंस है जो बहुत पास से दिखा सकता है कुछ भी। मैं इससे स्क्रैचेस दिखाता हूँ। तो गाइस, 3 मेजर स्क्रैच आए हैं जो कि बहुत बड़े बड़े, इनमें से ये वाला बहुत डीप स्क्रैच है, तो ये तो थोड़ा सा मेसअप हो गया है। अब नेक्स्ट है ना, ये चाबी जो है इस स्क्रीन के ऊपर रब करते, क्योंकि जनरली हमारी पॉकेट में होता है ना, और मैं सेम नंबर ऑफ टाइम्स जो हूँ, मतलब दोनों के लिए करूंगा, महंगे वाले स्क्रीन गार्ड के लिए भी, सस्ते वाले के लिए भी। तो ओह माय गॉड, तेज कर दिया मैंने। तो कुछ ऐसे स्क्रैचेस कर लेते हैं 3 टाइम्स, कुछ ऐसे स्क्रैचेस कर लेते हैं 3 टाइम्स, तो बस हो जाएगा। तो कीस को स्क्रैच करने के बाद पूरे स्क्रीन गार्ड का बुरा हाल हो गया है, जगह जगह जो है स्क्रैचेस दिख रहे हैं, तो मतलब ऑलमोस्ट अभी स्क्रीन गार्ड पूरा मेस्ड अप हो गया है। तो अब आते हैं एक्सट्रीम टेस्ट के ऊपर, जो कि हर एक स्क्रीन गार्ड क्लेम करता है कि ये स्क्रीन प्रोटेक्ट करते हैं। तो मैं 6 फुट का हूं और बिल्कुल स्क्रीन को ऊपर रख के अभी ड्रॉप करने वाला हूं मैं, 1, 2, 3। तो अब देखते हैं एग्जैक्टली में कुछ टूटा कि नहीं। तो गाइस, इसने देखो प्रोटेक्ट तो कर लिया है, स्क्रैचेस तो इस पे थे ही, जैसे कि मैंने आपको बताया था। मैं देख लेता हूँ कि वर्किंग है कि नहीं, क्योंकि इस फोन की ना बैटरी सही नहीं है, तो बार बार ये स्विच ऑफ होता रहता है। तो गाइस, स्क्रीन जो है बिल्कुल वर्किंग है, तो इसने बचा लिया अच्छी तरीके से। तो सेम ड्रॉप टेस्ट अब जो है टाइल के ऊपर करते हैं, क्योंकि वो ज्यादा रियलिस्टिक होगा। मैं फिर से ड्रॉप करता हूँ। ओ माई गॉड गाइस, ये बहुत तेज लगा है, और आई थिंक इस बार सर्वाइव अगर इसने कर लिया तो बहुत बड़ी बात होगी। तो अभी स्क्रीन तो क्रैक नहीं दिख रही है। गाइज, ये वाला टेस्ट भी सरवाइव कर गया, स्क्रीन बिल्कुल वर्किंग है बिना किसी क्रैक के। तो गाइज, 70 रुपीज वाला जो स्क्रीन गार्ड है वो बहुत पास हो गया है, क्योंकि 2 बार ड्रॉप टेस्ट को आराम से वो झेल गया है। अब महंगे वाला स्क्रीन गार्ड लगाते हैं। तो महंगे वाले स्क्रीन गार्ड की जो अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस है ना, वो तो बहुत ज्यादा कमाल का है। आई थिंक एक पूरा टूल दे रखा है जिससे इजिली स्क्रीन गार्ड लग जाए। तो 70 रुपीज वाला स्क्रीन गार्ड जो है मैंने निकाल दिया है, अब जो है महंगे वाला हम इंस्टॉल करेंगे। कुछ इसको ऐसे रखना है, और आई थिंक फोन को सही तरीके से मेरे को प्रेस भी करना है। चलो, अब ये वाला स्क्रीन गार्ड भी लगा लेते हैं। जस्ट मुझे ऐसे करना है इसके ऊपर, हम इतना परफेक्टली लगा भी नहीं रहे, तो आई थिंक ये प्लेस हो जाएगा इजीली। लेकिन मैंने एक बात नोटिस करी है कि इसके ऊपर कम स्मजेस आ रहे हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर जिस पहले वाले से कंपेयर कर रहा हूँ तो स्मूथ भी ये ज्यादा है, और कहीं ना तो कहीं मुझे लग रहा है स्मजेस कम है पुराने वाले के मुकाबले। चलो, अब इस वाले स्क्रीन गार्ड पे भी सेम टेस्ट करते हैं। कार्पेट टाइल्स मैंने लगा दिए, डस्ट है इसके ऊपर, तो मैं 6 टाइम्स इसको ऐसे लेफ्ट एंड राइट करूंगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब
थोड़ा एक्स्ट्रा कर दिया क्योंकि एक्सपेंसिव है। खैर अमेजिंग बात तो ये है कि स्क्रैच इसके ऊपर नहीं आए हैं, हमने इतना रब करा है फिर भी मैंने बहुत ध्यान से भी देखा मामूली स्क्रैचेस भी नहीं दिख रहे। मैं आपको मैक्रो लेंस से दिखाता हूँ, पूरी डिस्प्ले के ऊपर कोई स्क्रैच नहीं आया है, तो लाइक महंगा है तो काम कर रहा है। और अब इस महंगे वाले स्क्रीन गार्ड पे भी हम वो कीज वाला टेस्ट करेंगे और इसके ऊपर ज्यादा करेंगे क्योंकि ये ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो देखते एग्जैक्टली में ये कैसा काम करता है। मैं इसमें थोड़ा सा जोर एक्स्ट्रा लगा देता हूँ क्योंकि इस पे स्क्रैच भी नहीं पड़े ना कारपेट के ऊपर, तो देखते हैं कि कितना सह सकता है। तो गाइस गुड न्यूज तो ये है कि इस महंगे वाले स्क्रीन गार्ड के ऊपर एक भी स्क्रैच मेजर नहीं आया है, दो लाइट स्क्रैचेस आए हैं जो कि कैमरे पर रिकॉर्ड नहीं हो रहे हैं। तो भाई महंगा है तो एक्चुअली में काम कर रहा है, मुझे लगा फेक होगा बट हाँ काफी एग्रेसिव टेस्ट था, स्टिल ये झेल गया। तो गाइस महंगे वाला स्क्रीन गार्ड अप्लाइड है और अब ड्रॉप टेस्ट करेंगे वर्किंग कंडीशन में फोन, और मैं फिर से अपनी हाइट से इसको ड्रॉप करने वाला हूँ। बहुत तेज आवाज आई है यार, अब देखते हैं कि ये ब्रेक हुआ है कि नहीं। और नहीं गाइस, बिल्कुल वर्किंग कंडीशन में सब कुछ और एक भी क्रैक नहीं आया। अब सेम टेस्ट फिर से टाइल के ऊपर भी करेंगे अब महंगे स्क्रीन गार्ड के साथ। ओ माय गॉड, ये तो हर बार सुनना बड़ा डेंजरस सा लगता है, बट गुड न्यूज तो नहीं है मेरे पास क्योंकि पूरा का पूरा स्क्रीन गार्ड क्रैक हो चुका है। लेकिन फोन की बात करूं तो ये पूरा वर्किंग कंडीशन के अंदर है। तो ड्रॉप टेस्ट के बाद ना कॉर्नर से स्क्रीन गार्ड पूरा टूट चुका है और यहाँ पर भी बहुत सारे क्रैक्स आ चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ एग्जैक्टली में हुआ क्या। सबसे पहली बात, नो डाउट 70 रुपए वाला स्क्रीन गार्ड जो है विनर है क्योंकि वो इतने इम्पैक्ट के बाद भी टूटा नहीं। इसके पीछे वैसे एक बहुत बड़ा टेक्निकल रीजन है, जो ये 2600 रुपए वाला स्क्रीन गार्ड था ना, ये एक ग्लास था, आपने सुना होगा ना टेम्पर्ड ग्लास, तो भाई वो जनरली टूटते ही है, चाहे आप उनके ऊपर थोड़ा सा भी इंपैक्ट दो, ग्लास है 100% टूटेगा। लेकिन ये जो 70 रुपए का स्क्रीन गार्ड है ना, इसको काफी लोग मार्केट में ट्रिंक भी बोलते हैं, एक तरीके से प्लास्टिक फिल्म होती है, कुछ रबड़ की कोटिंग भी होती है उनके ऊपर, कुछ को स्क्रीन गार्ड के ऊपर, तो इसीलिए स्क्रैचेस ज्यादा करते हैं, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं टूटते लॉन्ग टर्म के अंदर। लेकिन एक और ट्रुथ बताऊं, जो आप मार्केट में टेम्पर्ड ग्लास खरीदते हो ना, जिसमें एक्चुअली में ग्लास यूज होता है इसकी तरह, वो भी उतने स्मूथ काम करते हैं, वो भी गिरने पे ऐसे ही टूटते हैं। ये जो 3x शटर प्रूफ है, ये मेरे ओपिनियन में मेरे को इतना मतलब लाइक डिफरेंस क्रिएट करते हुए नहीं दिखा। अब केसेस के बारे में बात करते हैं, ये जो आप केस देख रहे हो ना, ये 1000 रुपए का केस है और इसमें तो यहाँ पर कैमरे की प्रोटेक्शन भी दे रखी है। और इसकी बात करूं तो ये 109 रुपए का एक नॉर्मल टीपीयू केस है जो ट्रांसपेरेंट वाला होता है। तो अब मैं इस फोन पे ना ये सस्ते वाला केस लगा के ड्रॉप टेस्ट करके दिखाता हूँ। इस केस के साथ ना सबसे पहला टेस्ट करेंगे चेस्ट हाइट पे और बैक पैनल देखेंगे टूटेगा या नहीं। तो गिर चुका है और देखते हैं कि बैक पैनल टूटा या फिर नहीं, तो बिल्कुल सेफ है, अभी तक कुछ नहीं टूटा। और अब सेकेंड राउंड करते हैं बिल्कुल 6 फीट से और अब देखते हैं कि इसने इम्पैक्ट झेला या फिर नहीं। तो गाइज अभी भी बिल्कुल सेफ है। तो गाइज अब 1000 रुपए वाला केस लगा के इसको ड्रॉप करते हैं और देखते हैं ये कैसा वर्क करता है। सबसे पहले चेस्ट हाइट से मैं ड्रॉप कर देता हूँ और थोड़ा गलत तरीके से गिरा है कह रही है। मैं आपको ओ माय गॉड गाइस, पूरा का पूरा टूट गया है ये 1000 रुपए के केस के साथ और बुरी तरीके से क्रैक हो गया है। गाइस फोन तो वर्किंग कंडीशन में है, अभी बूट हो रहा है और फ्रंट से तो नहीं टूटा है जबकि फ्रंट से भी गिरा था, लेकिन बैक पैनल इस केस के साथ पूरा टूट गया है। ओके गाइस, आई नो कंफ्यूजन हो चुकी है, अब कोइंसिडेंस समझ लो इस बात को या मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, लेकिन महंगे वाले केस से ये पूरा बुरी तरीके से ब्रेक हो चुका है। कंक्लूजन बड़ा सिंपल सा है कि जरूरी नहीं है हर एक एक्सपेंसिव चीज दी बेस्ट तरीके से परफॉर्म करे। ये नई लर्निंग मेरे लिए भी है ऑनेस्टली, मेरे लिए एक्सपेरिमेंट बहुत ज्यादा अमेजिंग था टू बी ऑनेस्ट। बट मैं मानता हूं कि यार और भी महंगे केसेस है मार्केट में जो बहुत अच्छे ब्रांड नेम के साथ आते हैं, वो और अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं, फिट एंड फिनिश भी उनकी मच बेटर हो सकती है, चीज मैं 100% एग्री करता हूं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मतलब जनरली लोग जो है 100-200 रुपए का स्क्रीन गार्ड या फिर मैक्सिमम 300 रुपए का कवर लगाते हैं, मेरे हिसाब से वो एक अच्छा कॉम्बिनेशन है आपके फोन को प्रोटेक्टेड रखने के लिए। मेरे हिसाब से इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है, पैसे भी बचे प्रोटेक्शन भी मिली। क्या सोचते हो आप इस चीज़ के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। इस वीडियो के टाइम पे मुझे बहुत मजा आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैंने आप लोगों को कुछ नया दिखाया। और हाँ भाई, लाइक जरूर कर देना और वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करके हमारे टेक ब्रार्मी को ज्वाइन कर लो, हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अभी मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।